विभूतिखंड इलाके में महिलाओं के साथ अभद्रता की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। समिट बिल्डिंग में युवक युवतियों के बीच हुई मारपीट की घटना इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इस घटना ने तहजीब के शहर को शर्मसार कर दिया था। इस घटना को अभी लोग भूल भी नहीं पाए थे कि रविवार रात में एक और घटना प्रकाश में आ गई। म्यूनिख बार में पार्टी करने आई एक युवती की युवक ने पिटाई शुरू कर दी। युवती खुद को बचाते हुए बार से बाहर निकली तो युवक वहां भी पहुंच गया। आरोपित ने सरेआम युवती की पिटाई शुरू कर दी। यही नहीं, युवती के कपड़े तक उतार दिए। किसी तरह खुद बचाते हुए युवती ओमैक्स रेजिडेंसी पहुंची और निजी गार्ड से मदद मांगी। गार्ड ने युवती को शरीर ढकने के लिए तौलिया दिया। युवती गेट के भीतर चली आई, जिसका पीछा करते हुए युवक भी वहां पहुंच गया। इस बीच युवक के कुछ साथी भी वहां पहुंचे और युवती के कपड़े गेट के भीतर फेंक कर चले गए। युवती ने कपड़े पहने और आरोपित युवक से खुद को बचाती रही। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया, जो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। इस बीच विभूतिखंड पुलिस वहां पहुंची और युवती को साथ लेकर चली गई। युवक और युवती नशे में थे। खास बात यह है कि सरेराह हुई इस दुस्साहसिक वारदात के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस का कहना है कि युवक और युवती पति पत्नी हैं, जिनका आपस में विवाद हो गया था। दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी की थी, जिनके बीच में समझौता हो गया था। अब सवाल यह है कि अगर आरोपित युवती का पति है तो क्या उसे इस तरह की हरकत करने का अधिकार है? आखिर किसके दबाव में पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? विभूतिखंड में आए दिन बार व क्लब में मारपीट और हंगामा हो रहा है, लेकिन उच्चाधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अगर आप क्राइम वीडियो देखने के शौकीन हैं और अपने आसपास होने वाले क्राइम से अपडेट रहना चाहते हो तो तुरंत हमारे सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।